अच्छा जी, अब डेट इनपुट की ज़रा बात कर लेते हैं। HTML5 के अंदर क्या है कि जी कुछ नए इनपुट्स भी ऐड किए गए हैं जो इससे पहले HTML के अंदर मौजूद नहीं थे। उसमें से वन ऑफ दोज इज़ डेट इनपुट। अच्छा, जो डेट इनपुट है वो हम एक अदद बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमने ये पूरा एक लंबा चौड़ा सा फॉर्म बनाया हुआ है, और हम क्या करते हैं जी, उसके बाद हम एक डेट इनपुट बना लेते हैं। अच्छा, डेट इनपुट बनाने के बाद जब इसको हम चेक करेंगे तो हमें कुछ इस तरह की चीज़ नज़र आ जाएगी। ठीक है, और जब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये पूरा डेट पिकर एक खोल देगा मुझे, जिसमें सब कुछ पहले से मौजूद होगा। ये ईयर वगैरह और ये मंथ और ये सारी चीज़ें इसके अंदर बनी हुई हैं पहले से। अच्छा, और ये जो डेट पिकर है ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे और डिफरेंट तरह से खुलेगा, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म का एक अपना यूज़र एक्सपीरियंस होता है, तो उसके मुताबिक, उस प्लेटफॉर्म के यूज़र एक्सपीरियंस के मुताबिक खुलेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे एंड्रॉयड के अंदर अगर ये खुलेगा तो किस तरह खुलेगा, फ़ोटो में देख लेते हैं, कुछ इस तरह से खुलेगा एंड्रॉयड में अगर खुलेगा तो। ठीक है, और अगर ये iOS में खुलेगा तो ये कुछ इस तरह से खुलेगा। ठीक है, और विंडोज़ इसमें PC में तो आपने देख लिया किस तरह खुलेगा ये। तो अपने अपने जो इनके यूज़र एक्सपीरियंसेस है ना, उनके मुताबिक ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर डिफरेंट तरह से बिहेव करेगा। और इसको आपने क्या करना होता है, जस्ट इनपुट का ही टैग है उसमें टाइप की टाइप टेक्स्ट लगाते थे, टाइप ईमेल लगाते थे, टाइप पासवर्ड लगाते थे, इसमें आपने टाइप लगानी है डेट। तो ये डेट बाय डिफॉल्ट मतलब, हाँ हाँ खुद से होगा, इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं अगर इसी पेज को जो पेज अभी मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ था, मैं गो लाइव का बटन दबाता हूँ, और गो लाइव का बटन दबाने के बाद अगर मैं इसको अपने मोबाइल में खोलता हूँ तो आप देखेंगे कि क्या होगा। ये पेस्ट हो जाए यार, क्या है मेरे सिस्टम की IP। One seven two dot two zero dot one dot two four six. अच्छा, मैं सेम वाईफाई पे नहीं हूँ, सेम वाईफाई पे आना पड़ेगा मुझे। सही है, मेरे पास ये वही वाला पेज ओपन कर लिया मैंने। अच्छा, मैं आपको अगर यहाँ पे दिखा पाऊँ इस मॉनिटर पे, तो ये कुछ इस तरह से मेरे पास ओपन हो रहा है ना। ठीक है, डिपार्चर डेट, अब जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ डिपार्चर डेट पे, तो ये इस तरह से ओपन हुआ है। ठीक है, ये सामने मेरे पे कैलेंडर सा बना हुआ आ गया, जिसमें अक्टूबर 2023 इसने खोला है। अच्छा, और अगर मैं क्या करना चाहूँ, अगर मैं अक्टूबर के अलावा किसी दूसरे मंथ में जाना चाहूँ तो ऊपर एरो बना हुआ है लेफ्ट और राइट का। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं अक्टूबर 2023 जो लिखा हुआ है इस पर अगर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये आ जाता है, जिसमें मैं ऐसे करके ये मंथ कोई भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। और मैं पीछे मिसाल के तौर पर मैं जाना चाहता हूँ 90s में, है ना, डेट ऑफ बर्थ वगैरह होती है तो उसमें अक्सर 90s में जाना पड़ता है, तो ऐसे मैं 90s में जाके और इसको जब डन करूँगा तो ये उसको सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, अच्छा, इसी तरह आप देख रहे हैं जो डिफरेंट बटन्स हैं इसके पास, जैसे ड्रॉप डाउन बटन जो है वो भी ज़रा एक मुख्तलिफ अंदाज़ में दिखा रहा है ये। एंड्रॉयड के अंदर आप सब लोगों को पता है कि ड्रॉप डाउन किस तरह का दिखता है, तो ये जो बिल्ट इन इसकी स्टाइलिंग है ना, ये हर प्लेटफॉर्म के हिसाब से ना अलग अलग हो रही होती है। इसी तरह चूज़ फाइल का जो बटन आपके सामने दिख रहा है, तो
जब मैं चूज़ फाइल का बटन दबाता हूँ तो ये मेरे पास इस तरह का ऑप्शन खोल देता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर ये चल रहा है, इसमें फ़ोटो लाइब्रेरी और चूज़ फाइल। ठीक है, अच्छा, एंड्रॉयड के अंदर तो फ़ोटो और जो फाइल्स होती हैं उसको वो एक ही तरह से ट्रीट करता है, यानी फ़ोटोज़ और फाइल्स दोनों जो है वो आपकी हार्ड ड्राइव में स्टोर हुई हुई होती हैं, तो आप कोई फाइल भी सेलेक्ट कर सकते हो, फ़ोटो भी सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन इसमें इन्होंने जो है वो ज़रा मुख्तलिफ काम किया होता है कि इसमें जो है ना फाइल एक बिल्कुल अलग जगह स्टोर होता है और फ़ोटोज़ एक बिल्कुल अलग जगह स्टोर होता है। यानी जब आप फाइल्स में जाके तलाश करेंगे ना कि फ़ोटोज़ किधर हैं, तो वहाँ पे फ़ोटोज़ सिरे से होती नहीं है, फ़ोटो अपनी ऐप में सिर्फ शो होती है और कहीं भी शो नहीं होती। तो इसमें सेलेक्शन में भी क्या होता है कि जैसे ही सेलेक्ट करते हैं तो फ़ोटो और फाइल वो दो अलग अलग रास्तों पे पूछ रहा होता है। तो ये सब हैंडल इन्होंने किया हुआ है बिहाइंड द सीन में। ठीक है, आप जब फाइल सेलेक्शन लगाते हैं यहाँ पर तो आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ही बिहाइंड द सीन उसको देख लेता है। अच्छा, इसको मैं डिस्पोज कर देता हूँ अब, और हम और आगे आ जाते हैं। अच्छा, ईमेल एंड यूआरएल इनपुट, जैसे कि आपने देखा था हमने टाइप टेक्स्ट टाइप पासवर्ड लिखा था, हम टाइप में ईमेल या यूआरएल भी लिख सकते हैं। ईमेल या यूआरएल लिखेंगे तो क्या होगा कि ईमेल का जो पैटर्न होता है, यानी उसमें एट द रेट आना चाहिए और डॉट कॉम आना चाहिए, उस पैटर्न को वो देखता है, अगर वो पैटर्न जब तक उसको नहीं मिलता है वो आगे जाने नहीं देता है। अच्छा, इसी तरह यूआरएल के अंदर भी शुरू में HTTP:// ये आता है, तो जब तक वो नहीं होगा वो यूआरएल इनपुट को आगे जाने नहीं देगा। ठीक है, अगेन ये सारी जो वैलिडेशंस हैं ये यूज़र एक्सपीरियंस के लिए, ये इसका मकसद बिल्कुल भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना नहीं है, क्योंकि उसको बहुत आसानी से बाईपास किया जा सकता है। अच्छा, सर्च इनपुट, सर्च इनपुट भी उनमें से एक है जिसको HTML5 में ऐड किया गया, वो पहले मौजूद नहीं थे। अच्छा, इसमें हम सिंपल क्या लिखते हैं, टाइप सर्च लिख देते हैं। ठीक है, और कोई डिफरेंस नहीं होता। अच्छा, टाइप सर्च लिखने से ना इसके बिहेवियर में थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है, एक रहता तो ये टेक्स्ट बॉक्स ही है लेकिन इसके बिहेवियर में थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, चेंज आ जाता है। मिसाल के तौर पे जब इसमें मैं कुछ लिख रहा होता हूँ तो लिखते हुए यहाँ पर मुझे क्रॉस का छोटा सा बटन शो हो रहा होता है। ठीक है, अब इसको हम लगा के ही देख लेते हैं। अच्छा, क्योंकि ये सर्च इनपुट है तो ये मेरे पेज में कहीं ना कहीं ऊपर कोने पे होगा, राइट, ऊपर वगैरह पे कहीं पे होगा, तो इसके लिए ऑब्वियसली मैं इस फॉर्म में तो नहीं करूँगा इसको, तो इसके लिए बकायदा मेरे पास एक पूरा का पूरा एक फॉर्म होगा। सही है, इसका क्लोजिंग टैग। ठीक है, ये इस सर्च के लिए एक मुकम्मल अलग फॉर्म बना हुआ है जो कि हेडिंग से भी ऊपर रखा है मैंने। मैंने कहा भाई हेडिंग से भी ऊपर हो गया, आप क्या हुआ? हाँ, आ गया ना ये। ये एक्चुअली इस तरह से हुआ, बताइए, इसको स्क्रॉल डाउन किया तो दिख गया ये। तो मैंने हेडिंग से भी ऊपर सर्च लगा दिया। सर्च आमतौर पे वो या तो सेंटर में होता है और या तो टॉप राइट के ऊपर भी दिख रहा होता है समटाइम मुझे सर्च। तो इस सर्च में जैसे ही आप देखें मैं लेकर जाता हूँ ना, तो जो पहले सर्च किए गए आइटम्स है ना वो मुझे एक तो ये दिखाता है नीचे। ठीक है, क्योंकि किसी भी सर्च बारे में मैंने जो सर्चिंग की हुई है वो यहाँ पे मुझे दिखाता है। जैसे आप देखें USD लिखा हुआ मुझे ये दिखा रहा है। ठीक है, या अगर मैं लिखूँगा ना सी तो कार मुझे दिखाना चाहिए था लेकिन नहीं दिखा रहा। तो जब मैं इसमें टाइप कर रहा होता हूँ ना तो मेरे पास ये क्रॉस का एक बटन आ रहा होता है, अगर मैं इस क्रॉस के बटन को क्लिक कर देता हूँ तो क्या हो जाता है, ये खाली हो जाता है, या लिखते हुए मैं अगर मैं एस्केप का बटन दबाता हूँ तो भी ये खाली हो जाता है। तो ये एक बिहेवियर ऐसा है जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर नहीं होता, ये सर्च इनपुट के अंदर ये बिहेवियर होता है। ठीक है, तो शायद इस तरह का बिहेवियर जो सर्च करने के लिए काफ़ी सही रहता है। मिसाल के तौर पर अगर ये मैं टॉप बार पर यहाँ पर आके सर्च लिखता हूँ ना, इस जगह पर आके, तो भी आप देखें कि जो है ना ये जो बार है ये एक्चुअली क्या है, ये एक सर्च बार है, तो जब मैं इसमें स्केप दबाता हूँ तो ये खाली हो जाता है। सही है, मैंने यहाँ पे लिखा कार और मैंने एक दफ़ा स्केप दबाया तो नीचे की सजेशन गई, दूसरी दफ़ा स्केप दबाया तो ये खाली हो गया। अच्छा, हालांकि इसमें वो क्रॉस का बटन इन्होंने शायद हाइड किया हुआ है समहाउ, लेकिन जो सर्च बार है उसका बिहेवियर क्या है कि स्केप दबाने से वो खाली हो जाता है, तो उसी बिहेवियर में यहाँ पे मिमिक किया है इन्होंने।
अच्छा एक एट्रीब्यूट होता है प्लेस होल्डर, मिसाल के तौर पे जैसे मैं इस इनपुट के ऊपर अगर प्लेस होल्डर लगाऊं, एंटर सर्च टर्म, तो ये ना यहाँ पे लिखा हुआ आता रहेगा एंटर सर्च टर्म। जब इस पर क्लिक करूँगा मैं तो भी ये हटेगा नहीं, जैसे ही मैं एक लिखूँगा ना, जिसमें लिखूँगा ए तो ये हट जाएगा। ठीक है, वैसे तो ऊपर लेबल पे मैं उसको बता देता हूँ कि क्या लिखना है पर्पस, लेकिन अगर मुझे मज़ीद कुछ इसको गाइड करना है यूज़र को अपने, तो मेरे पास एक ये भी ऑप्शन होता है। अच्छा प्लेस होल्डर किसी भी इनपुट में लग सकता है, ठीक है, वो यूज़र नेम पासवर्ड या कमेंट का जो बॉक्स है। ठीक है, अच्छा ऑब्वियसली इन दोनों में तो नहीं लग सकता, चेक बॉक्स में और रेडियो बटन में, लेकिन इनपुट जो टेक्स्ट वाले इनपुट जितने भी हैं, ईमेल और पासवर्ड और ये सारे, उन सब में ये लग सकता है। अच्छा यहाँ पे जो फॉर्म वाला चैप्टर हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अच्छा अब इस पॉइंट पे मैं आपको बताता चलूँ कि हमने जो फॉर्म का चैप्टर अभी तक पढ़ा है, इसमें हमने अभी तक फॉर्म सिर्फ बनाना सीखा है। ठीक है, फॉर्म के ज़रिए बाकायदा इनपुट लेना हमने अभी तक नहीं सीखा है, हमने जस्ट फॉर्म को असेंबल किया है इस पर। अब फॉर्म की फंक्शनैलिटी जो है उस वहाँ तक अभी हम नहीं पहुँचे हैं, ठीक है, क्योंकि वो HTML का पार्ट नहीं है, वो JavaScript के थ्रू होगा। कि जी अब बंदे ने फॉर्म में कुछ लिख दिया है, मिसाल के तौर पे बंदे ने एक फॉर्म बनाया जिसमें एक खाना है जिसमें लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर, और दूसरा खाना है जिसमें लिखा हुआ है सेकेंड नंबर, उन दोनों में एक एक नंबर लिख के और नीचे सबमिट का बटन दबाऊं तो वो दोनों नंबर प्लस होके मुझे स्क्रीन पे नज़र आ जाए। ठीक है, तो इस तरह की कोई छोटी सी चीज़ हम करेंगे होपफुली बहुत जल्दी। तो उसमें हम क्या कर रहे होंगे, एक फॉर्म से बाकायदा उन वैल्यूज़ को उठा के उसको प्रोसेस कर रहे होंगे। अच्छा वो प्रोसेस करना ये भी हो सकता है कि जी उसको वहीं पर प्लस करके दिखा दो या किसी सर्वर पर भेज दो, सेव हो जाए वहाँ जाके। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ठीक है, वो हमने अभी कवर नहीं किया। अभी हमने इस फॉर्म का HTML वाला पार्ट कवर किया है, जो जो कि सिर्फ उसका ताल्लुक स्ट्रक्चर के साथ है। ठीक है, फॉर्म का सिर्फ स्ट्रक्चर अभी तक हमने बनाया, फंक्शनैलिटी फॉर्म की है वो अभी आधा, यानी जो अभी हमने पढ़ा है वो वन हाफ है, और अदर हाफ जो है वो इंशाल्लाह जावास्क्रिप्ट के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा जी ये समरी है इसकी, इसको पढ़ लें 2 मिनट में सब लोग, फिर हम आगे मूव करते हैं।